हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, इसके सामने वाले ऑप्शन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग डिसेबल होने के बाद काम कैसे करेगी ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आप जब भी अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर के जरिए किसी भी नए ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो वो नया ऐप आपका इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप ड्रॉअर के इस पेज में आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन वही ऐप आपका ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर ऐड नहीं होगा, यहां पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा, आप उसे बाद में ऐड कर सकते हैं अपने हाथों से, लेकिन ऑटोमेटिक ऐड होम स्क्रीन पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। स्टार्टिंग से सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर यह ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग का नेम, आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे आप तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया सेटिंग को ढूंढने का।